अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक्निकल ठेकेदार। दोस्तों आज हम लगाने वाले कमोड, ये कमोड है वन पीस। जो कमोड होता है ना बेहतरीन होता है। अगर आपने कमोड लगाना हो ना, थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन वन पीस अगर आप कमोड लेंगे, एक तो इसका प्रेशर अच्छा होता है, दूसरी बात ये होती है कि ये लीक नहीं होता है। अगर ये टू पीस होगा ना, टू पीस कहलाते हैं उसको, जिसकी टैंकी अलग से नट बोल्ट से टाइट होती है। अगर वैसा कमोड होगा आपका तो यहाँ से टैंकी लीक होती रहती है। ये वन पीस कमोड है, इसका प्रेशर भी अच्छा है और ये चलने में भी सही है, थोड़ा महंगा जरूर है। अच्छा, इसको लगाते कैसे वो मैं आपको दिखाऊंगा, इसके साथ क्या क्या चीज़ें आती है। ये कमोड होता है, इसके साथ एक मुस्लिम शावर है और इसका एक सीट कवर है। ये इसका सीट कवर होता है, इसको कैसे फिट करते हैं तमाम प्रोसेस मैंने आपको दिखाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें कि जो बंदा मेरी वीडियो देखे वो थोड़ा सा समझ सके और उसको फायदा हो। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आपने वीडियो को बिल्कुल ही साथ रहना है, क्योंकि पहले की वीडियो की तरह आपको एक एक चीज बारीकी के साथ आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप कमोड खोल भी सकेंगे, लगा भी सकेंगे, आपको चीजों का भी पता चल जाएगा। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। निकाल लेंगे, आइए हम निकाल लेते हैं। हमने करना क्या होता है, ये नट होते हैं इनको इसके अंदर लगा देना होता है। इसके अंदर हम लगाएंगे ऐसे करके और इसको ऐसे करके दबा के कोने में जाएंगे इस जगह पे। इसको हमने दोनों को लगा लेना है। फिर हमने करना क्या है, इसको लेना है और ऐसे कल्टी करके ये जो हमारा दो सुराख है ना, इनके अंदर हमने लगा देना है। अगर आपके घर का सीट कवर खराब हो जाता है ना, आप इस वीडियो को देख के ना सीट कवर चेंज खुद कर सकते हैं। ये दो इसके बोल्ट हैं। आपने करना क्या होता है, इसके नीचे से आ गया। अब हमने करना क्या है कि इन बोल्टों को लेके यहाँ पे इसको टाइट कर लेने हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी और उधर भी। अच्छा, अब जो है ना ये कनेक्शन पाइप होता है, ये कहाँ लगाया जाता है, मेन चीज़ ये होती है इसके अंदर आपने कनेक्शन वाचर भी लगानी होती है। अगर इसके अंदर आप ये वाचर नहीं लगाएंगे तो ये लीक करेगा। आपने इसके अंदर भी वाचर लगानी होती है और इस तरफ भी आपने वाचर लगानी होती है। कमोड लगाने से पहले आप ये लगा लिया करें, क्योंकि जब हम कमोड लगा देते हैं जगह कम होती है तो फिर ये हमारा कनेक्शन पाइप सही से नहीं लगता। आइए हम इसको पहले लगा लें। माचल इसके अंदर रख के इसको हम यहाँ पे टाइट कर लेते हैं, इस तरह आपने भी कर लेना। अब जो है ना हमने ये कमोड के नीचे लगना होता है थंबिल, थंबिल इस जगह पे लगेगा। अब हम क्या करते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं जहाँ हमारा कमोड लगेगा। हम इस तरह इसको आराम तोड़ने के बाद आपने जो इसके अंदर चीज़ आपने फंसाई हुई होगी ना, उस चीज़ को आपने निकाल लेना है ऐसे, इस तरह आपने। देखें, अब हम कमोड को रखेंगे तो उससे पहले देखो ये हमारा जो पाइप है ना, ये नीचे वाला पाइप थोड़ा नीचे था तो हमने इसके ऊपर टुकड़ा लगा दिया कि हम थंबनेल रखें तो हमारा कमोड बिल्कुल फिट बैठे। जब हम दोबारा कमोड यहाँ टिकाएंगे तो ये निशान के ऊपर आके फिक्स निशान लगा लेना इधर। अब हम ये ड्रिल से सुराख कर लेंगे, क्योंकि जब ये हम लगाएंगे ना कमोड की बोल्ट गेट तो वो सुराख के अंदर। सुराख खोलने के बाद हम ये बीटियां ठोक लेंगे इस तरह। आने से पहले हमने क्या करना है, जो हमने पाइप लगाया था उसकी तरफ हम सीमेंट लगा देंगे सेम इसी तरह। आपने भी सीमेंट लगा लेना है कमोड लगाने से पहले। अगर हम कमोड लगा के थंबनेल रख देंगे तो ये जगह लीक कर जाएगी, क्योंकि यहाँ सुराख हैं। अगर हम पहले से ही इसको फिल कर लेंगे तो ये लीकेज से बच जाएगा, हमारा बाथरूम लीक बिल्कुल नहीं होगा। क्या करेंगे, जो हमारा थंबनेल है जो हमने लगाना है उसके ऊपर किसी तरह टेपर में हम सीमेंट लगा लेंगे कि हम इसको रखें तो ये हमारा बिल्कुल ही प्रेस हो जाए इसी तरह। अब हमने कमोड रख के इसमें नट बोल्ट लगा दिए। अब वह उसके अंदर वाचल डाल के इसके ऊपर हम बोल्ट रख के टाइट कर लेंगे। आपने भी इसी तरह ही कर। अब हम
इसकी लीड पहले लगा लेंगे, क्योंकि अगर हम पहले लगा के पानी चेक कर लेंगे ना तो हमारा जो नीचे से हम सीमेंट लगाएंगे वो ख़राब हमारा नहीं होगा। अगर हम इसको बाद में लगाएंगे तो हमारा सीमेंट ख़राब हो जाएगा। अगर मुस्लिम शावर जो प्लास्टिक वाली साइड है वो इसमें लगेगी, इसके अंदर वाचल भी होना ज़रूरी है। अब हम इसको ऐसा टाइट कर लेते हैं, इसको रख के हम हाथ से ही टाइट कर लेंगे तो ये हमारा सही हो गया। अब ये वाली साइड जो है वो हम यहाँ लगाएंगे तो इसको हम टाइट कर लेते हैं इस तरह। चलें इसको आपने लगाने के बाद इसको खोल के आपने चेक कर लेने कि हमारी लीकेज तो नहीं है। अब ये हमारा सही है, लीक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इतना ऊपर करके, पाइप नीचे से ना लगे, इतना ऊपर करके हम इसको लगा दें। हाँ, रख के इसके अंदर हम नट लगा, इन नटों को फिर हम पेचकस की मदद से टाइट कर लेंगे। कर लिया, इसको इसके अंदर हैंग कर देंगे तो ये हमारा तैयार है। उसके बाद हम कमोड के आसपास सीमेंट लगा लेंगे, फिलिंग कर लेंगे कि हमारा कमोड पक्का हो जाए। ये हमने स्क्रू लगा लिए थे, अब हम इसके आसपास सीमेंट लगा लेते हैं। माशाल्लाह से गाइस हमारा कमोड कंप्लीट हो गया। हमने मुस्लिम शावर भी लगा दिया, कमोड भी लगा दिया, इसकी फिलिंग भी कर दी, कनेक्शन भी कर दिया। अब ये हमारा बिल्कुल ओके की रिपोर्ट कर रहा है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने बताना ज़रूर है।